वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आप सभी को एक बहुत सारी नहीं एक चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ आज। अरे हवा चलना रुक बंद। बंद हो जा हवा, बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज मैं एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और वो चीज़ है महतारी वंदन योजना को लेकर। महतारी वंदन योजना जैसे कि पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है, आप अगर छत्तीसगढ़ से हैं तो आप सभी को पता होगा, और नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें क्या है ना कि फॉर्म फ्री में आना था, फॉर्म आया नहीं, लेट हो गया या लाया नहीं, जो भी था कारण से, तो पैसे देकर फॉर्म लिया गया। और वो तो सही है, वहाँ तक तो चलो सही है, फिल करके बहुत लोगों ने तो जमा किया, बहुत लोगों का फ्री में हो गया। और जब बहुत ज़्यादा जमा हो गया है फॉर्म, ऑनलाइन करने की बारी है, तो क्या कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग, जिनको ऑनलाइन करना है वो लोग कर नहीं पा रहे हैं खुद से ना, तो एक बंदा को रख रहे हैं और लोगों को उसके पास भेज रहे हैं कि उनके पास जाओ, वो कर देंगे, और वो कर देंगे तो पैसे ले रहे हैं। अगर रखे हुए हैं वो बंदा तो खुद के पॉकेट से पैसा देना भाई, हितग्राही से क्यों लेना, उनको तो निःशुल्क कराना है। निःशुल्क जब है ऐसा कि निःशुल्क में होना है तो फिर क्यों नहीं। तो इस बात को लेकर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और विशेष करके हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए गांव-गांव में और सभी जगह पे, कि सही से फॉर्म फिल हो रहा है कि नहीं, सही से काम हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं, उस पर कहीं और किसी किस्म का काम तो नहीं चल रहा है। इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो सभी से कहूँगा अपने ब्लॉक स्तर पर, अपने ज़िला स्तर पर सभी को ध्यान देना है। और लोगों को इतना नहीं है पता भाई, सभी को अगर होता ना तो खुद से कर लेते, क्योंकि ऑनलाइन में दिया गया है कि हितग्राही स्वयं से भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं है इसीलिए जाते हैं किससे भराएं फॉर्म। फॉर्म भराने के लिए लोग इसको उसको कहते हैं कि भर दो भाई, मैं देखा हूँ, तो लोग कहाँ से ऑनलाइन करेंगे, सबके पास फ़ोन भी नहीं है। तो लोग मदद करने के बजाय ना, लोग आजकल की दुनिया तो मैं कहूँगा कि सेल्फलेस नहीं, मतलब सिर्फ अपने लिए जीते हैं, किसी और के लिए तो जीना भूल ही चुके हैं, अपने आप के लिए, तो बहुत गलत बात है। आप सभी को जागरूक होना होगा और आप सभी को सही का साथ देना होगा, गलत का विरोध करना होगा। अगर आपसे अभी पैसा लिया जा रहा है तो बिल्कुल पैसा मत दीजिए, उनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, चाहे वो अपना खुद के परिवार का सदस्य क्यों ना हो। तो इस बात को लेकर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिलहाल तो मैं जाता, लेकिन अभी जा रहा हूँ काम करने, देखता हूँ अपने लेवल तक क्या हो सकता है, छोड़ूंगा तो नहीं। गलत होते मेरे को देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी कभी तो लगता है कि मैं ही पत्रकार हूँ यार। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, जा रहा हूँ, मेरे को भी दिया गया ऑनलाइन कराने के लिए, तो खुद से पैसा देने के लिए बोले हैं, पता नहीं उनसे पैसे लिए हैं या क्या से, मेरे को आइडिया नहीं है कुछ, लेकिन वो खुद से अपने पॉकेट से देने के लिए बोले हैं, तो मैं करूँगा। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ काम करने, तो फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को, तब तक बने रहिए, अगर टाइम रहेगा तो मिलेंगे, नहीं तो फिर आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों के पास आसपास के जो भी लोग होंगे उनको ये जानकारी ज़रूर से ज़रूर फैलाइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं, टाइम रहता है।